सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिव्यूअर एवीएस में। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने अमेजोन से क्लीन सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर ऑर्डर किया था, तो आ चुका है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमें पैकेज कंटेंट्स क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो ये हमने जब बॉक्स को अनबॉक्स ये ओपन किया तो देखने को मिला कि पैकेजिंग तो उन्होंने काफ़ी अच्छी की। एक बॉक्स के अंदर दोबारा दूसरा बॉक्स डाल के रखा है, और जब हमने दूसरा बॉक्स ओपन किया तो हमें इसके अंदर हमारे कुछ ये बिल्स देखने को मिले, ये इनवॉइस, और हमें हमारा क्लीन सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर देखने को मिला। पैकेज बिल्कुल ही इंटैक्ट है, उन्होंने किसी भी तरह का डैमेज नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और पैकेट पूरी तरह से सील है। तो चलिए अब इसे यूज करके देखते हैं कि और देखते हैं आखिर ब्लीचिंग का पाउडर काई को किस तरह से ख़त्म करता है और ये काम भी करता है कि नहीं। तो सर, जब आप पैकेट को फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर एक पॉलीथीन है जिसके अंदर इन्होंने ब्लीचिंग पाउडर को भर के रखा है। पर पॉलीथीन का होना ना होना सब बराबर हो चुका है, क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर पैकेट के बाहर भी कुछ फेंका हुआ था। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात नहीं है, जो कि एक दिक्कत की बात है। कंपनी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर निकालते हैं और उसे थोड़ा हम लोग लगा के देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। तो आप ये ब्लीचिंग पाउडर यूज करने से पहले हाथों में ग्लव्स और मुंह पे मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि इसे जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो इससे काफ़ी तेज़ गंध आएगी और आपके हाथों को डैमेज भी कर सकती है, तो ग्लव्स पहनना ना भूलें। वैसे तो हमने अपना देसी जुगाड़ लगाया है और प्लास्टिक ही बांध लिया और मुँह पर गमछा लपेट लिया है। तो चलिए आप काम शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये आपको ब्लीचिंग पाउडर का ये स्प्रे डालना है और उसके बाद झाड़ू से हमने यूज उसे फैला दिया। अगर आपके पास कोई और हो तो आप उससे भी फैला सकते हैं। सरफेस थोड़ा वेट हो तो ये इजीली फैल पाता है और अपना काम अच्छी तरह से कर पाता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि सरफेस हल्का सा वेट होना चाहिए, पूरी तरह से पानी ही नहीं होना चाहिए। तो अब हमने पूरी तरह से इसे फैला दिया है। अब हम लोग पूरे ये 10 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये किस तरह अपना काम कर पाता है कि नहीं। तो 10 मिनट कहा था, 20 मिनट के बाद आया हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार ये कितना काम किया। थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा झाड़ू लगेंगे और इसे पूरे के पूरे पाउडर को हम लोग ये बहाएंगे। तो बहाने पर ये साफ देखने को मिल रहा है कि काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है और इसने काफ़ी गहरी गहरी काई, बहुत पुरानी काई को भी निकाल दिया है, जिसे आप नॉर्मल रगड़ने से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये सरफेस काफ़ी ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अगर आप इसे रगड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा पक्का फूटने के चांसेस हैं, पर ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये काफ़ी इजीली रिमूव कर देता है और आपको बिना किसी मेहनत के आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट देता है। वैसे तो मैंने टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ही यूज किया था। अगर आप इसे थोड़ा और अच्छी तरह से यूज करेंगे तो आपको मेरे नल से ज़्यादा अच्छी सफाई देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये पहले कैसी नल था और अब जाके क्लीन ब्लीचिंग पाउडर यूज करने के बाद ये कैसा हो गया है। और अगर यहीं इस ब्लीचिंग पाउडर की कीमत की बात करें तो मैं बता दूं कि मैंने 1 किलो का पैकेट 325 रुपये का ख़रीदा है। और मैं नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्टली क्लीन सॉल्ट कंपनी का ही खरीदें, आपके नियर में जिस भी कंपनी का ब्लीचिंग पाउडर आपको अवेलेबल हो, चाहे वो खुला हो या पैकेट में हो, आप उसे खरीद सकते हैं। वह मुझे मेरे एरिया में नहीं पता था कि ब्लीचिंग पाउडर मिलता है कि नहीं, इसलिए मैंने अमेजोन से ही मंगा लिया। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।